नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। बंगाल की सरकार बनने के बाद वहां हुए हिंसा को लेकर भाजपा सरकार हो हल्ला मचा रही है, लेकिन हम आपको डबल इंजन की सरकार में बनी गांव की सरकार का एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे और आपके मुँह से बरबस ये निकल पड़ेगा कि क्या सरकारें ऐसी ही होती हैं। यकीन नहीं होता है तो सीतापुर की एक ग्राम पंचायत में जीते प्रधान के जश्न का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की सरकार ने नए मुखिया के आगमन पर न कि होली खेली जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि जुलूस निकालने के बाद एक तुगलकी फरमान के तहत निवर्तमान प्रधान का दर्जा देकर एक बुजुर्ग को रस्सी से बांध कर उस पर सजा के तौर पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और बाकायदा माइक से यह सवाल पूछा जाता है कि एक कॉलोनी में कितने रुपए लिए। जवाब में जैसे ही वह कहता है 30,000 रुपए, वैसे ही उस पर कोड़ों की बरसात की जाती है और शौचालय में कितने रुपए लिए यह सवाल करने पर जैसे ही वह बोलता है 2,000, फिर उस पर कोड़ों की बरसात शुरू कर दी जाती है। बहुत बिरयानी और बहुत गोश्त खाया, फिर कोड़ों की बरसात, फिर सवाल होता है कि किसी के मरने में कितने रुपए लिए, जवाब होता है 1,00,000। इतने कोड़े पड़ते हैं कि उसका कुर्ता चित्ती चित्ती हो जाता है। ऐसे ही सवाल राशन और शादी के लिए होते हैं। निवर्तमान प्रधान को इतने कोड़े पड़ते हैं कि वह मजबूर होकर कहने लगता है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और फतेहपुर से पंगा नहीं लेंगे। पहले यह वीडियो देखिए, आपको इस नाटक के जरिए गांव की सरकार में कितना भ्रष्टाचार है इस पर से भी पर्दा उठता दिखाई देगा। बहुत बिरयानी नहीं खाई छे गोश बत्ता ले गोश एक किलो गोश एक किलो हर घर पर है ना तीन बाउल है एक किलो ले जाए यह वीडियो वायरल होने के बाद हकीकत को जानने के लिए आई इंडिया ने जब पड़ताल की तो पता चला कि यह मामला सीतापुर जनपद के कसमंडा की ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर का है, जहां से ग्राम प्रधान का चुनाव जीते सुफियान खान का स्वागत समर्थकों ने भारी संख्या में जुलूस निकाल कर किया। इस दौरान निवर्तमान प्रधान को कंधे पर बिठा लिया और खूब रंग गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। इसी दौरान वृद्ध जुम्मन को निवर्तमान प्रधान बनाकर सोनू मोनू मौलाना सालिम तालिब निवासी फतेहपुर ने रस्सी से बांधा और फिर गवाहिया निवासी राजा बाबू ने कोड़े बरसाने का काम किया और मुइन जाफिर ने माइक से सवाल जवाब किए। मामले से आहत होकर निवर्तमान प्रधान इसरार अहमद खान ने एक शिकायती पत्र कमलापुर थाने में देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। इस वीडियो ने
कई चीजों को उजागर कर दिया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जिसमें चुनाव बाद जुलूस न निकालने और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए थे, उसका कितना पालन हो रहा है यह वीडियो देखकर लगाया जा सकता है। दूसरा, गांव में पिछले 5 साल के दौरान प्रधानों ने कितना भ्रष्टाचार किया, सरकारी योजनाओं में कितना रुपया खाया, यह भी उजागर कर रहा है। तीसरा, जिसे ग्रामीणों ने अपना मुखिया चुना, वह कोरोना काल में अपने गांव की सुरक्षा के प्रति कितना गैर जिम्मेदार है, यह जुलूस है, यह जुलूस में भारी भीड़ जुटाकर उजागर कर दिया है। और चौथा, पुलिस प्रशासन कोरोना काल में ऐसा अपराध करने वालों पर अंकुश लगाने में अक्षम साबित हो रहा है, वीडियो वायरल होने से उजागर हो गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।